है कि वो जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा है उसको आप उसी अंदाज में बढ़ते हुए देखते हैं जैसे इंदिरा गांधी को? मस्ट बी अ जोक। आपने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर को इस फिल्म के जरिए जिया है और आप देश की संसद में एक ऐसे वक्त पर हैं जब राहुल गांधी वहां पर उसी देश की संसद में है। ये कहना है कांग्रेस वालों का जैसे इंदिरा गांधी एक बहुत सशक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी भी वही गरीबी हटाओ, गरीबी जो गरीब है उनके करीब जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो जो राहुल गांधी की पूरी यात्रा है उसको आप उसी अंदाज में बढ़ते हुए देखते हैं जैसे इंदिरा गांधी की? मस्ट बी अ जोक, मस्ट बी अ जोक। आप दिस इज वेरी गुड टू टॉक लाइक दैट इफ इट्स अ जोक। मैंने उन्हें सुना है पार्लियामेंट में, शिव जी की बारात है और वो यू नो वो भगवानों के हर भगवान के फोटो, हर भगवान के फोटो जो है वो करके मैंने सुनी है उनकी स्पीचेस। जो भी मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग जो भी है ऑफ पीपल एंड ऑफ पॉलिटिक्स, आप प्लीज इस तरह के मजाक तो मत करिए देश के साथ। अंडरस्टैंडिंग राहुल गांधी की देश के साथ, ऐसा मजाक मत करिए देश के साथ। अगर कोई भी इंसान जो है जिसको देश के प्रति थोड़ा भी प्यार है, जो देश को जो है बस बेच के खाना नहीं चाहता है, जिसको देश के प्रति थोड़ी भी जिम्मेदारी है, तो वो देश के लिए इतना बुरा नहीं सोच सकता। कुछ और सोच सकता है, कुछ और सोच सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, पर इतना बुरा नहीं सोच सकते। परिवारवाद पर आप हमेशा खुलकर बोलिए और बॉलीवुड में चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो वहां पर भी आपको इसकी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, यहाँ पर भी आप, तो क्या आप उस माइंडसेट के साथ गई थी? क्योंकि आपने इंदिरा गांधी हो आप कहते हैं वो भी नेपोटिज्म की ही प्रोडक्ट थी, राहुल गांधी वो भी नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट है, वो क्या आप इस माइंडसेट के साथ फिल्म में गई थी? नहीं नहीं, वो तो बहुत लिमिटेड, आप बहुत लिमिटेड सोच रही हैं मुझे। आई एम नॉट दैट लिमिटेड पर्सन। आप बहुत ज़्यादा मेरे बारे में छोटा सोच रहे हैं। नहीं, मिसेस गांधी जो भी है हमारे देश की 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं वो। यू नो, कुछ लोग होते हैं जो उनको लगता है राहुल गांधी की दादी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इट्स टू स्मॉल टू कॉल हर राहुल गांधी की दादी। सारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे इतिहास, वो हमारा इतिहास, हमारे बुजुर्ग हैं वो। यू नो, हमारे इतिहास का हिस्सा है वो। आप जो पूरे देश के लिए समर्पित होते हैं, आपको अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जो भी है, आप पूरे देश के हो जाते हैं आप, तो उन पर हमारा भी उतना अधिकार है। मैं देखती हूँ कांग्रेस के कुछ लेके कहते हैं अरे अब जो इंदिरा गांधी का नाम लेके अपनी दुकान चला रही हैं, तो वो तो वही माइंडसेट वाले होंगे ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री हमारी है, आप यहाँ नहीं कर सकते, दादी हमारी है, आप इस पे फिल्म कहाँ से आती है? ये छोटी बातें इनके दिमागों में, वो किसी की दादी या किसी की, नो, शी इज़ अ चेयर। वो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इट्स द स्टोरी ऑफ द चेयर। अब जब आपने इंदिरा गांधी का दौर इस फिल्म में जिया है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली पीएम है अब तक, क्या अभी भी आप यही मानती हैं या फिर आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस वाले तो यही कहते हैं कि अब तक की सबसे पावरफुल पीएम वो थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े तो इंदिरा गांधी ने किए थे।